हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे, तो देख लीजिए। मैंने ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच रखी है, शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच है, आर्म होल की लंबाई 5.5 इंच है। ब्लाउज का चौड़ाई मैंने 10.5 इंच रखा है, तो देख लीजिए। पहले मैं आपको गले का साइज़ दिखा देती हूँ। तो मैं 2.5 इंच की चौड़ाई देते हुए गले पर मार्क कर रही हूँ। नीचे के साइड 2.7 इंच पे मार्क कर देंगे। दोनों मार्क को बराबर करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब गले की लंबाई लेंगे। देखिए, गले की लंबाई में 11 इंच रख रही हूँ। 11 इंच पे मार्क करेंगे और बिल्कुल बराबर में लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ऊपर की साइड से 3 इंच की लंबाई पे मार्क करेंगे, बिल्कुल बराबर में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से राउंड नेक की मार्किंग कर देंगे। नीचे के साइड से डिज़ाइन में मार्क कर देते हैं। तो मैंने देखे गले की मार्किंग कर दिया, जैसे मार्क किए सेम कटिंग कर देंगे। तो मैंने पूरा अच्छे तरीके से अस्तर पे गले की कटिंग कर दिया है। अब इसके बराबर में हम ब्लाउज़ का कपड़ा ले लेंगे। अब इसके भी गले की सेम इसी तरीके से कटिंग कर देंगे। तो मैंने देखे गले को कट कर दिया। बराबर में दोनों कपड़ों को फैला लेंगे। तो फैला दी, अब एक सिलाई लगाते हुए पूरा अच्छे तरीके से गले की स्टिचिंग कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं मैं कैसे गले की स्टिचिंग कर रही हूँ। इस तरीके से बराबर में दोनों कपड़ों को स्टिच कर दीजिएगा। तो मैंने देखिए गले को बिल्कुल अच्छे से पूरा स्टिच कर दिया है। अब गले पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इससे जब गले को पलट कर सीधा करेंगे तो डिज़ाइन सेम आ जाएगी। तो मैंने देखिए गले पे छोटे छोटे कट लगा लिया। अब गले को पलट कर सीधा कर लेते हैं। तो अच्छे तरीके से कॉर्नर को पलट कर सीधा कर दीजिएगा। तो मैंने ये कॉर्नर से अच्छे तरीके से पूरा ब्लाउज को पलट कर सीधा कर दिया है। अब एक सिलाई लगा के गले की फिनिशिंग की स्टिचिंग करेंगे। तो आप वीडियो में देखिए, इस तरीके से कर दीजिएगा। तो मैंने देख लीजिए पूरा गले की अच्छे से फिनिशिंग की स्टिचिंग कर दिया है। अब ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को बराबर करते एक सिलाई लगा के पूरे ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग कर लेंगे। मैंने देखिए पूरे ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग कम्प्लीटली कर दिया है। नीचे के साइड से बराबर में माप लेते हुए दोनों साइड से टक्स को स्टिच करेंगे। इस तरीके से आप दोनों साइड से टक्स को स्टिच कर दीजिएगा। तो मैंने देखिए दोनों साइड से टक्स स्टिच कर दिया है। नीचे के साइड फैब्रिक स्टिच करेंगे। तो एक पट्टी ले लेते हैं अस्तर की और इसको नीचे के साइड से बिल्कुल बराबर में रखते हुए अच्छे से पूरा स्टिच कर लेंगे पट्टी को। तो मैंने ये पट्टी की पूरी स्टिचिंग कर दिया। अब इसको बराबर करेंगे और एक सिलाई लगा के इसकी फिनिशिंग की स्टिचिंग कर देंगे। तो ये फिनिशिंग की स्टिचिंग हो चुकी है। अब पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करते एक सिलाई लगा के इसकी पूरी नीचे के साइड से स्टिचिंग कर देंगे। तो मैंने देखिए नीचे के साइड से बिल्कुल अच्छे से पूरा स्टिच कर दिया है। ब्लाउज मेरा स्टिच हो चुका है। गले पे डिज़ाइन करेंगे तो ब्लाउज साइड करते हैं। और डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने कुछ फैब्रिक स्क्वायर में कट कर दी, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 2.7 इंच रखा है। अब इसको 4 पार्ट में फोल्ड करेंगे। तो देख लीजिए कॉर्नर से कैसे हम क्रॉस में इसको फोल्ड कर रहे हैं। फिर इस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे इसको फोल्ड करते हुए और नीचे के साइड से सिलाई लगाते हुए स्टिच कर दीजिएगा। तो आप वीडियो में देख लीजिए मैं कैसी ये डिज़ाइन बना रही हूँ। ऐसे डिज़ाइन को आप बना लीजिएगा। तो सभी डिज़ाइन ऐसे ही बना लेंगे, जितने भी डिज़ाइन हमें ब्लाउज़ में यूज़ करना है। तो ये देखिए मैंने आपको कुछ डिज़ाइन बनाकर दिखा दिए। और सारे डिज़ाइन मैंने ये बना लिए हैं। इस डिज़ाइन को पूरा साइड करेंगे और मैंने एक पट्टी ले ली है। इस पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और इसकी एक पतली सी डोरी स्टिच करेंगे। तो आप देख लीजिए मैं कैसे डोरी की स्टिचिंग कर रही हूँ, ऐसे कर दीजिएगा। तो पट्टी की चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी थी, तो मैंने ये पूरा पट्टी स्टिच कर दिया है। अब इस डोरी को पलट कर सीधा करेंगे। तो देख लीजिए निडल की सहायता से मैं कैसे डोरी को पलट कर सीधा करूँ, इस तरीके से कर दीजिएगा। तो मेरी ये डोरी पलट कर सीधी हो चुकी है। अब इस डोरी से हमें डिज़ाइन बनाना है। तो हम इस पर माप लेते हुए कट करेंगे। तो 3 इंच की लंबाई पे डोरी को कट करना है। तो 3 इंच की लंबाई पे माप लेते हुए बराबर में देखिए फोल्ड करें, इसे कर दीजिएगा। अब इसको कट करके अलग अलग कर देंगे।
तो मैंने ये डोरी को देखिए अच्छे से कट करके अलग अलग कर दिया, इसको साइड करेंगे। न्यूज़पेपर को डबल फोल्ड करके रख दिया, ब्लाउज को भी डबल फोल्ड करके इस पे रख के ब्लाउज के गले के बराबर में मार्किंग कर देंगे न्यूज़पेपर पे। तो मैंने ये मार्किंग कर दिया, मार्क को डार्क करेंगे दूसरे साइड से, 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए देखिए मार्किंग कर दिए। अब इसको कट करके निकाल लेंगे। तो मैंने ये देखिए न्यूज़पेपर को कट करके निकाल दिया, ऊपर के साइड से 2 इंच के बराबर में माइनस कर दीजिएगा, डिज़ाइन ले लिए। अब इसके ऊपर बराबर करते हुए डिज़ाइन को स्टिच करेंगे। तो आप देख लीजिए मैं कैसे बराबर में डिज़ाइन को स्टिच करी न्यूज़पेपर पे, ऐसे कर दीजिएगा। तो मैंने डिज़ाइन स्टिच कर दिया। अब इस पर पाइपन करेंगे, तो इसको साइड करेंगे। पाइपन की पट्टी मैंने कट कर ली, स्ट्रेचेबल क्रॉस में कटिंग किया था, इसको डबल फोल्ड करके साइड से इसकी पूरी स्टिचिंग कर देंगे। तो मेरी ये पाइपन की पट्टी देखिए स्टिच हो चुकी है। अब इसको हम डिज़ाइन जो भी बना है इसके गले पे बिल्कुल बराबर में रखेंगे पट्टी को, और एक सिलाई लगाते हो अच्छे से पूरा स्टिच कर लेते हैं पट्टी का। तो आप देख रहे हैं मैंने ये अच्छे तरीके से पूरा स्टिच कर दिया है गले पे। इसको राउंड करते हुए पतली सी पाइपन बनाएंगे और पाइपन को अच्छे तरीके से स्टिच कर लेते हैं। तो जैसे मैं पाइपन को बनाती हूँ आपको स्टिच करके दिखाई, आपको समझ में आया होगा ऐसे बना दीजिएगा। आप डोरियों को मैंने ले लिया है, तो डोरी को इस तरीके से पाइपन के नीचे से रखते हुए स्टिच करेंगे, तो 2 डोरियाँ एक साथ मिलेंगे। बीच में हम थोड़ी सी चौड़ी सी गोल करते हुए लूप्स बनाते हुए डोरी को स्टिच करेंगे। तो ऐसे लूप्स बनाते हुए डोरी को गोल गोल करते हुए बना दीजिएगा डिज़ाइन को। तो आप देख लीजिए वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि मैं डिज़ाइन कैसे बना रही। इस तरीके से बिल्कुल राउंड में डोरियों को नीचे से रखते हुए पाइपन के पूरा स्टिच कर लीजिएगा। तो ये देख लीजिए मैंने पूरा डिज़ाइन अच्छे से बना दिया, आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से बना दीजिएगा। इसको साइड करके मैंने ये डोरी बनाने के लिए, सॉरी फ्लावर बनाने के लिए कुछ फैब्रिक कट कर दिए हैं। अब देखिए कुछ मैंने छोटे छोटे फैब्रिक कट किए हैं, जिसको मैं स्क्वायर में देखिए फोल्ड करते हुए स्टिच कर रही हूँ, सॉरी ट्रायंगल मॉडल में ऐसे स्टिच कर दीजिएगा। तो मैंने दोनों डोरी का अच्छे से डिज़ाइन स्टिच करके अब इसका फिनिशिंग की स्टिचिंग दे रहे हैं, ऐसे दे दीजिएगा फिनिशिंग की स्टिचिंग। ये हो चुका है, इसको साइड करेंगे दोनों को। और मैंने ब्लाउज़ ले लिया, ब्लाउज़ के ऊपर गले को बिल्कुल बराबर में रख देंगे डिज़ाइन को, और एक सिलाई लगा के डिज़ाइन और ब्लाउज को अच्छे से स्टिच कर देंगे। तो मैंने अच्छे से ब्लाउज़ और डिज़ाइन को स्टिच कर दिया, न्यूज़पेपर पूरा रिमूव कर दिए। अब लेस लगाएंगे, तो लेस गले पे ले लिए लगाने के लिए। तो आप देख लीजिए मैं कैसे लेस लगा रही हूँ, ऐसे अच्छे से स्टिच कर दीजिएगा। थोड़ा सा लेस एक्स्ट्रा कट कीजिएगा इस साइड से। तो देख लीजिए मैं कॉर्नर बना के थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेस कट करके उसको अंदर के साइड फोल्ड करते हुए दोनों साइड से लेस स्टिच कर दिया। ऐसे दूसरे साइड से भी लेस लगा दिया। अब डोरी बनाएंगे, तो मैंने ये डोरी ले लिया, मार्केट वाली डोरी ली है, जो दो फ्लावर ये बनाए हुए हैं दो, इसको देखिए डोरी के साथ में स्टिच कर रहे हैं। ऐसे कर दीजिएगा स्टिचिंग अच्छे से। तो मैंने डोरी के साथ में फ्लावर स्टिच कर दिया, इसको पलट कर सीधा करेंगे डोरियों का फ्लावर को। अब जो मैंने ये डोरी बनाई हुई है डोरी को अच्छे से स्टिच कर देंगे कॉर्नर से। तो मैंने डोरी स्टिच कर दिया, यहाँ से डोरी को बांध लेंगे अच्छे से। तो ये देख लीजिए मैंने पूरा अच्छे से बना दिया। इसको डेकोरेट करने के लिए मोती लिए, मोती को देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ। इस तरीके से सभी डिज़ाइन पर मोती लगा दीजिएगा। तो मैंने ये वाली डिज़ाइन पे देखिए पूरा मोती लगा दिया। अब जो राउंड करके बना है इस पर भी मोती लगा रहे हैं, ऐसे पूरा बीच में मोती लगा दीजिएगा जितने भी डिज़ाइन है। तो मैंने ये लगा दिया है। मेरा ब्लाउज डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट है, बहुत ज़्यादा सिंपल सी डिज़ाइन थी। अगर आपको अच्छी लगी हो ये डिज़ाइन तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।